कमलितम विमल यचलम सर्व दिशाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरु तम नमामि। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगारिया तो अनंत दिखावनहार। नमो नारायण। एक जीव प्रयास करता है ब्रह्म की उस वाणी को बोलने का जो क्षमता से बाहर है। खाली तुतलासी भाषा से ज्योतिष को आपके सामने लाता हूँ और दावे नहीं करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ सही है। प्रयास करता हूँ आपके काम हो जाए, मेरा सौभाग्य होगा और आपका भी भला होगा। आज 30 अक्टूबर रविवार का दिन है, सन 2011 है। आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुखी रहे, आपका जीवन सुखी रहे और आपके जीवन में हमेशा बहार रहे। जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी आज शादी की सालगिरह, उन्हें एक उपाय बताना चाहता हूँ। जीवन में कभी भी परेशानी आए तो अपने गले में 11 मुखी रुद्राक्ष सात दाने डाल देना, कभी परेशानी नहीं आएगी। और रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं तो अपने घर में घी का दीपक जला करके नियमित रूप से जब भी मौका मिले, अवसर जैसा भी हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, आप महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला जाप कर लीजिएगा। और महामृत्युंजय याद नहीं हो तो नमः शिवाय, ओम नहीं लगाना, नमः शिवाय की 3 माला जाप करी, जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमोना। और बात करते हैं रविवार के पंचांग की। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और विक्रम संवत 2068। प्रातकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र और आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। आज का राहुकाल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। और राहुकाल दान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी है और मर्जी आपकी है। बात करते हैं आज की यात्रा की। आज पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय नहीं मानी गई, इस बात का ध्यान रखें। कारोबार की दृष्टिकोण से पश्चिम की ओर जाना, जहां आप रहते हैं वहां से पश्चिम की ओर जाना ठीक नहीं माना गया, लेकिन उत्तर दिशा की यात्रा ठीक रहेगी। आज दिन 5 चबाते हुए यात्रा पर निकल जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और अब मैं आपको ले चलता हूं नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में। 12 राशि, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का यह अद्भुत खेल है। जिन पाया गहरे पानी बैठ और मैं बावर ढूंढ रहे किनारे पर। यदि ये इतना अथाह सागर है कि जितना गहरे जाओगे, जितना गहरे जाओगे, जितना गहरे गहरे जाओगे तब भी कहोगे कि नहीं और गहरा है, ऐसे ही ये ज्योतिष विज्ञान है। उस सागर में से एक आध बूंद जो मुझे मिली, मेरे को लगा कि मेरे राष्ट्र को बांट देना चाहिए और राष्ट्र से प्रार्थना करना चाहिए। ये अद्भुत विद्या है, ये कोई मदारीगिरी नहीं है। और ये भी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, आप सेकंड ओपिनियन लीजिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या है। चलिए बात करते हैं राशिफल के। सबसे पहले मेष राशि। ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, चित्त प्रसन्न, लाभ मार्ग प्रशस्त और चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। आज पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमनार क्या करें, आज नए समझौते करने का दिन है, जरूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यर्थ क्या ना करें तो व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करें। नमोनारायण ना करें। नमोनारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ, शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा और उचित अवसर का लाभ उठाना चाहिए। गोचर बहुत अच्छा है, व्यवसाय में वृद्धि और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, कुटुंब परिवार से व्यवहार अच्छा रहेगा, शुभ कार्य की योजना सफल होगी और आज लेन देन के मसले लेने और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आज क्या करें, चिंता और तनाव मुक्त होकर कार्य का अंजाम दे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा लापरवाही नहीं करें तो और अच्छा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, सितारे संकेत की संतान संबंधी समस्या आज हो सकती है। आज विशेष कार्य में सावधानी बरतनी होगी, कार्य में सफलता है लेकिन विलंब है। आज दिन शेयर मार्केट और सट्टे में धन लगाए तो नुकसान की प्रबल संभावना है और शिक्षा की ओर भी आज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आज थोड़ा सा मिथुन राशि वालों हर कार्य में, कारोबार में ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा में ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य में ध्यान देना पड़ेगा। कार्य में सफलता विलंब से लेकिन सफलता है, भयभीत नहीं है, धैर्य होकर काम करें, सफलता इंतजार करेगी। क्या करें, कार्य में गोपनीयता बना के रखें। क्या ना करें तो पारिवारिक समस्या को अनदेखा ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमोनारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि सितारे ये कह रहे हैं कि आज थोड़ी सी परेशानी है, पारिवारिक परेशानी भी है, कारोबारी परेशानी भी है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी है और आज कानूनी उलझने भी है। व्यर्थ के विवादों से दूर रहना बहुत बेहतर होगा। आज
पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद और असंतोष है और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। डरिए नहीं, बता रहा हूं। क्या करें, कारोबार की दृष्टिकोण से यदि कोई इच्छित वस्तु खरीदना चाहे तो आज खरीदी लाभ मिल जाएगा। क्या ना करें, गैर कानूनी कार्यों से दूर रहे। उपाय क्या करें, इस समस्या नहीं आए तो छोटा सा चावल और दूध की खीर बना दीजिए, श्रद्धानुसार 1.25 किलो, 5 किलो, 11 किलो, जो आपकी श्रद्धा। गरीब दूर जहां आपको कोई नहीं जानता, जाकर वो गरीब लोगों में बांटिए। आज खीर बांटना बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, आसपास का वातावरण बहुत अनुकूल रहेगा, भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, अनुजों की सफलता का मन में हर्ष होगा और समाज में मान सम्मान भी और वृद्धि भी होगी, धन लाभ भी होगा और शास और पराक्रम बढ़ेगा। क्या करें, आज अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अनुचित लोगों का अनुचित लाभ नहीं उठाए, इस बात का ध्यान रखें। नमोनाथ। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि, समय अनुकूल है, नए मित्रों से मिलन आज लाभ प्रसिद्ध होगा और हर क्षेत्र में आपकी धाक बनी रहेगी और मन प्रसन्न और सफलता आपका दामन चूमेगी। आज भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे और इन सुख साधनों का आप उपभोग भी करेंगे और मनवोचित सफलता का प्राप्ति भी होगी। विशेष क्या करें, सूझबूझ से समझौते से कार्य करें तो लाभ अधिक मिलेगा। क्या ना करें, व्यर्थ की खरीदारी नहीं करें। नमोनाथ। और बात करते हैं तुला राशि की। लेकिन तुला राशि की बात करें उससे पहले एक सवाल, और ये सवाल शशि का है, और शशि ने कटियार से पूछा है, दाती महाराज सब कुछ ठीक है, आपकी दया से सब कुछ ठीक, परिवार भी ठीक है, लेकिन मैं अपने भाई से बहुत परेशान हूं। मेरा भाई नहीं तो उसका ढंग से कारोबार चलता है, नहीं तो किसी कैरियर उसका ठीक है, और हमेशा हमेशा परिवार से झगड़ता रहता है। शशि, मैं प्रजापिता वर्मा नहीं हूं, लेकिन ये जो उपाय बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये कभी कभी निकलता है, इस उपाय को यदि आपका परिवार अपनाता है तो बहुत अच्छा। एक मिट्टी का कुल्हड़ ले ले, ये अद्भुत उपाय होगा। एक मिट्टी का कुल्हड़ ले ले, उसमें श्रद्धा अनुसार शहद डाल दे और 7 मुट्ठी साबुत मूंग भर दे। रात में अपने जब आपका भाई सो जाए तो रात में 7 बार उस पर उसार कर उसके खटिया के नीचे रख दे। सुबह प्रातकाल ब्रह्म मुहूर्त में भाई के उठने से पहले वो जो मिट्टी का बर्तन है उठाकर किसी मंदिर में रखा है, ऐसा 40 शनिवार कर दे। यदि ये अल्कोहलिक है तो पीना छोड़ देगा, यदि काम नहीं करता काम करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे इन सारी परेशानी। एक बात और कहना चाहता हूं, जब कभी अमावस्या आए शशि, आप अपने भाई के नाम से, बुजुर्गों के नाम से श्राद्ध जरूर, हर अमावस्या को बुजुर्गों का श्राद्ध करिए और गाय कुत्ते और गरीब को भोजन कराइए, बहुत अच्छा रहेगा। और संभव है कोई अपाहिज व्यक्ति को वस्त्रों का दान देके आपके भाई की इस समस्या का समाधान हो जाएगा। नमो नारायण। मैं यदि समस्या का समाधान बता रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा समझ कई बार कहते हैं उपाय गुरु, कोई मैं उपाय गुरु नहीं हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ। प्रभु जैसी दया करता है, प्रभु बरसता है, प्रभु मेरे पे रहम करता है, मैं वैसा बांट देता हूं। मैं हूं साधारण व्यक्ति, मैं सच कहता हूं आपसे, जैसा आता है वैसा दे देता हूं।